हेलो प्यारे बच्चे, सब ठीक ठाक हैं? चलिए एकदम ठीक ठाक रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा। बाढ़ का माहौल आ गया है, थोड़ा बच उच के रहिएगा। और मौसम बहुत विचित्र है, ठंडा गर्म का माहौल हो रहा है, उससे भी बच के रहना है। चलिए ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो आपको याद होगा कि हम बच्चों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट्स, शुद्ध हिंदी में उसको कहते हैं घटक। और मैंने आपको ये भी बताने का कोशिश किया था, एक सदिश को हम लोग दो लंबवत दिशा में रिजॉल्व कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं, उसी दोनों को कहते हैं टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। या जब कोई सदिश हवा में है तो उसको मैं तीन लंबवत दिशा में रिजॉल्व कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं, तब उसको बोलते हैं थ्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो हम लोग टू वाला का स्टार्ट कर दिए थे और कुछ बातों पर चर्चा हो गई थी, अब उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, जिसमें मैंने आपको कुछ बातें बताया था, हल्का सा उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक सतह है, उस सतह का नाम है एक्स वाई प्लेन। क्या नाम है सतह का? तो ये मेरा एक्स एक्सिस है बंधु, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये दोनों के बीच का सतह का नाम होगा एक्स वाई प्लेन। क्या नाम होगा? एक्स वाई प्लेन पर एक वेक्टर हमारा सोया हुआ है जिसका नाम है वेक्टर ए। इस वेक्टर ए के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है उसको मैं क्या बोलूँगा? थीटा। और ये ओरिजिन ओ है, इसका कोऑर्डिनेट होता है जीरो जीरो। तब इस वेक्टर ए के हेड पॉइंट को मैंने कहा था पी। क्या कहा था? पी। अब इस पी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस एम बिंदु पर टकराया, ये एन बिंदु पर आके टकराया। इतना बात देखा था आपने पिछले क्लास में। और ये भी बोला था कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है और वाई एक्सिस में क्या होता है। वेरी गुड, यहाँ तक हम लोग ठीक है। यदि ये लंब डाला था तो ये कौन होगा 90 और ये कौन भी होगा 90। कोई डाउट मन में? तब मैंने कहा ये लेंथ जो आपका है इसको था ए एक्स, और इसका वैल्यू मैं निकाल के बता दिया था कितना, बोलिए ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा ये मैं निकाल के बता चुका था पिछला क्लास का वीडियो। जो बच्चे आज देख रहे हैं, पिछले दिन क्लास नहीं किए थे, वो बच्चे पिछला क्लास का वीडियो देख लेंगे। हमको उम्मीद है ये लेक्चर नंबर 18 है, 18 का पहले 17 का देख लीजिएगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर चले आइएगा यहाँ पर, इस लेंथ को मैंने कहा था ए वाई, और कहा था ए वाई का मान कितना, ए साइन थीटा। फिर ये कहा था ये लेंथ यदि ए वाई है, ये भी लेंथ हमारा क्या होगा, ए वाई। ये लेंथ ए एक्स है तो ये भी क्या होगा, ए एक्स होगा। इतना बात आपको मैंने बताया था। तब कहा था मैंने आपको इस वेक्टर ए को कंपोनेंट के रूप में लिखो, तो कहेगा आपको वेक्टर ए को टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, शुद्ध हिंदी हुआ लंबवत घटक। शुद्ध हिंदी क्या हुआ? लंबवत घटक। कंपोनेंट्स दो लंबवत घटक के रूप में लिखे, कंपोनेंट्स के रूप में लिखे। तो यदि ये बात पूछता है आपसे तो आपको बिना सोचे समझे डायरेक्ट लिखना है। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया था, वेक्टर ए बराबर ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप। ये बातें आपको दिखा दिए, प्रूफ करके दिखा दिए थे, त्रिभुज नियम का उपयोग किए थे और उस उपयोग करके ये लाइन प्रूफ हो गया था। इसी लाइन से स्पष्ट होता है, जब मैंने ये लेंथ ए एक्स माना, ये लेंथ ए वाई माना, और मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप का मान वेक्टर ए के बराबर है, तब मैं कहने में सक्षम हूँ, तब मैं कह सकता हूँ कि ए एक्स और ए वाई वेक्टर ए का टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। राइट, बात समझ में आया? तो यहाँ से स्पष्ट हो गया। अब इस लाइन से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से
इसका इक्वेशन नंबर वन देके छोड़ दीजिए, तब आप कहिए इक्वेशन वन, इक्वेशन समीकरण एक से इक्वेशन वन से क्लियर है, स्पष्ट है, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि ए एक्स तथा ए वाई, ए वाई दो लंबवत दिशा में, दो लंबवत दिशा में अर्थात एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस के अनुदिश, अनुदिश एलोंग, अनुदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलोंग, ए एल ओ एन जी, एलोंग वेक्टर ए का कंपोनेंट्स है, टू कंपोनेंट्स है, टू कंपोनेंट्स है। कभी कभी अचानक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था एक बार कंपटीशन में इधर पिछले साल में, कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट्स जो होता है वो स्केलर है कि वेक्टर है, कंपोनेंट्स जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है। आपका आंसर गलत हो गया, कंपोनेंट गौर से देखिए, वेक्टर ए का दो कंपोनेंट है, क्या क्या बोला गया, ए एक्स और ए वाई, ए एक्स और ए वाई ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, क्या इसमें आई और जे लिखा हुआ है, तो सिर्फ परिमाण बता रहा है ये कि ओ से एम की लंबाई कितनी होगी वह बता रहा है, उसको वेक्टर बनाने के लिए आई कैप से गुना किए थे, जल्दी बोलोगे, तो आई कैप से गुना नहीं करेंगे तो वेक्टर बनेगा वो, इसका मतलब सिर्फ परिमाण है ना उसमें, अभी आई कैप से गुना करके ना इसको दिशा डाले थे, तो आप कहोगे ऑब्जेक्टिव में कि सर किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट्स स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। आई बात समझ में, सेट हुआ मन में, यस सर। ये इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं, याद रखना, उसके बाद क्या याद रखने के लिए कहा, मुंह में उंगली नहीं देना है किसी बच्चे को, कोरोना काल है, ध्यान दीजिएगा उसे। चलिए अब मेरा काम खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर कहेंगे नोट करके लिख लिए, लीजिए छोड़िए नहीं, लिखिए लीजिए नोट करके, हम लोग क्या लिख लेंगे, किसी एक वेक्टर्स का कंपोनेंट्स स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, स्केलर, स्केलर होने का मतलब सिर्फ परिमाण होता है, क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, यदि पूछता है तो हम लोग कहेंगे, लेकिन सिर्फ परिमाण है तो उसको हम वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने देख लिया था कि आई कैप से और जे कैप से मल्टीप्लाई करके एक्स एक्सिस के लेंथ को, वाई एक्सिस के लेंथ को हम बता सकते हैं, तो चलिए आइए यहाँ पर हम लोग देख लिए गौर से, तो ये लेंथ को हम लोग वेक्टर बनाए थे, एरो मारे थे, और इसको भी वेक्टर बनाए थे, इसको वेक्टर बनाए थे, तो वेक्टर ओ एम, वेक्टर एम पी, वेक्टर ओ ओ ए, ये त्रिभुज नियम से यूज करके मैंने इस बात का प्रूफ किया था, तो यहां तक बातें क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, हम स्टेप अब चेंज करने वाले हैं, दूसरे स्टाइल से गप करने वाले हैं, तो जल्दी नोट कर लीजिए, जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो सारे बच्चों को बताया था मैंने, जैसे क्लास में जुड़ते हैं तुरंत लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बाद जहां भी आपका इस दुनिया में कोई अपना दोस्त है, सब अपना अपना दोस्त को खोज खाज के उसको चैनल के बारे में बताएं, और सारे दोस्त को कहें सब्सक्राइब करने में लिए, चाहे वो महीना में एक दिन दो दिन का ही ना पढ़े, लेकिन उसको बोलिए एक दिन पढ़ेगा, दो दिन पढ़ेगा, तीन दिन पढ़ेगा, चौथा दिन रात पढ़ने का मन करेगा। इसलिए जिसका दोस्त गांव घर में है, जो नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पर भालपुर आया है, उनके सामने ये प्रस्ताव बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। तो चलिए हो गया लिखा हुआ सारे बच्चे, यदि आपका लिखा हुआ हो गया तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन आएगा कि गौर से देखो, मैंने शुरू में इस लेंथ को एक्स माना था और इस लेंथ को क्या माना था, ए वाई। जब मैंने कंपोनेंट के रूप में लिखा तो कंपोनेंट में भी मेरा एक्स आया है और ए वाई, लेकिन आप लोगों ने देखा इसका ओरिजिनल वैल्यू ए एक्स का कितना है, ए कॉस थीटा, और ए वाई का वैल्यू कितना है। तो जहां जहां ए एक्स आया है मैं वहां ए वाई ए एक्स के स्थान पर ए कॉस थीटा और ए वाई के स्थान पर ए साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे लिखने की बारी आएगी तो आप क्या करोगे, गौर से देखना यहां पर कि यहां पर आप एक परिवर्तन ला सकते हो। तो जो इक्वेशन वन अभी मैंने बोर्ड पे लिखा था उस इक्वेशन वन पर यदि हम विचार करें तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह से कहेगा, यहां पर से देखना, किसी वेक्टर को टू कंपोनेंट्स, ध्यान देना आप लोग, ये लाइन कोई गलत भी बोल सकता है कि ये लिखा हुआ गलत है, परपेंडिकुलर लिखने लंबा हो जा रहा है, बार बार हमने दिखा दिया कि ये दोनों लंबवत दिशा में होता है, परपेंडिकुलर होना ही होना है, तो बार बार लिखना कोई जरूरी नहीं है। हमारे सारे बच्चे इसको समझ जाइएगा कि सर यहाँ बोल दिए थे कि परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, उसको मन में हम याद रख सकते हैं। तो टू कंपोनेंट्स का रूप यदि लिखने कहता है तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था सर, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, पढ़ा था कि नहीं, ये प्रूफ हो गया था। तो मैं ए एक्स और ए वाई का ओरिजिनल वैल्यू बैठा सकता हूँ, तो बैठा दूंगा, तो वेक्टर ए बराबर मेरा हो जाना चाहिए, गौर से देखिएगा, वेक्टर ए बराबर मेरा हो जाना चाहिए ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, जल्दी बोलिएगा, ठीक है। अब मैं कहूंगा प्यारे प्यारे मेरे बच्चों इस लाइन को याद कर लो, यदि कहीं पर कोई वेक्टर ए मालूम है और एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है तो आपका काम होगा उस वेक्टर को कंपोनेंट के रूप में लिखेंगे तो मैं यही लाइन लिखूंगा, चूंकि हमको ए मालूम रहेगा थीटा मालूम रहेगा, तुरंत दोनों का मान बैठा देंगे, वेक्टर ए कंपोनेंट के रूप में होगा कि नहीं, हाँ सर आराम से कंपोनेंट के रूप में हो जाएगा। तो चलिए ये लाइन हम बच्चों को, हम मान लेते हैं कि आप बच्चों को ये लाइन याद रहेगा, और यदि मैं मानता हूँ तो बड़ी विश्वास के साथ मानता हूँ कि मेरे बच्चे याद रख पाएंगे, उसी बात को मानता हूँ, और जहाँ याद नहीं रख पाएंगे मैं बोलता हूँ कि ये लाइन कठिन है, ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि मुझे पता है कि किस लाइन में बच्चे कहाँ फंसेंगे, कहाँ भूलेंगे, क्या गलती होगा, वो हम लोगों को पहले से पता होता है, उस पर ज़्यादा जोर देंगे। तो यहाँ पर ये लाइन लिख लिया आपने, चलिए जब ये लाइन ऐड कर लिया आपने टॉपिक में तो ये इक्वेशन नंबर दो हम मान लेते हैं फॉर फ्यूचर, जब बोलेंगे इक्वेशन नंबर दो को याद करो तो इसको ध्यान में ले आना है आपको, ठीक है। और एक नंबर मैंने किसको माना था, वो आपका ऊपर में दिख रहा है, ये माना था मैंने एक नंबर सिंबल के रूप में है, और उसी सिंबल का मान बैठा दिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दो मिल गया। तो किसी एक सदिश को कंपोनेंट के रूप में लिखने कहेगा, दो कंपोनेंट के रूप में कहेगा, तो हमारे पास यही दो लाइन है। यदि ए एक्स ए वाई अलग से निकाल लें और वही बैठा दें तो यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन ए एक्स ए वाई अलग से ना निकालें, डायरेक्ट हम मान लिखना चाहें तो डायरेक्ट हमारे लिए इक्वेशन नंबर टू होगा। इसको अलग से निकाल लीजिएगा तो यही ना मान बैठाइएगा वहां पर, ये निकलिए जाएगा तो डायरेक्ट वहां बैठा देंगे, और यदि ये निकल जाएगा अलग से तो वह मान बैठा देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो ये बातें हुआ। अब इस थ्योरी का जस्ट उल्टा हम चलते हैं, उल्टा क्या चलते हैं आइए गौर से देखते हैं। अब कोई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था और ये एक्स के साथ एंगल मालूम था, तब तुमने उसको कंपोनेंट के रूप में लिखा। अब क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, कोई वेक्टर पहले से कंपोनेंट के रूप में है, तब कहेगा उस वेक्टर का मान कितना होगा, उसका दिशा किधर होगा। ये दो प्रश्न आपके लाइफ में आने वाला है। तो चलिए हम स्टेप को बदलते हैं, तो फिगर चेंज कर दूं,
चलिए नीचे लाइन में तुम कहीं लिखी थी ना ax बराबर कितना हल लिखा हुआ, इसको समझ रहे ना, ए वाई बराबर कितना, तो इस लाइन को लिख के खाली उसका मान बैठा दिए, उसको लिखे और उसको मान क्या किया बैठा दिए। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट तुमको ए दिया रहेगा और थीटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम क्वेश्चन बनवाते हैं अभी तुरंत बनवाते हैं, तो मान बैठा दोगे यहाँ पर डायरेक्ट, और ए वाई के जगह पर क्या बैठाया आपने, ए साइन थीटा बैठाया। तो गौर से देखो ए वाई बराबर ए साइन थीटा निकाल चुके थे ना, तो उसको मान लिए कि नहीं मान लिए, तो मान लिए तो उसका मान यहाँ बैठा दिए, इसका मान यहाँ बैठा दिए। तो किसी एक सदिश को कहेगा टू कंपोनेंट के रूप में लिखो, आपको यही लाइन दिमाग में सेट रखना पड़े। तो ये लाइन क्या हुआ, वेक्टर ए बराबर क्या बोलेंगे आप लोग बोलिए तो, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, बोल दिया आपने, यह लाइन आपको याद रखना है। अब स्टेप चेंज करता हूं, आ जाइए हम लोग जगह, अब यहां पर से हम लोग थोड़ा मशक्कत करेंगे, स्टेप को चेंज करेंगे। अब देखिएगा गौर से कहता है, कह रहा है कि यदि यदि कोई सदिश वेक्टर टू कंपोनेंट्स के रूप में हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी थ्योरी पर कंफ्यूजन यदि होता है थोड़ा वेट कीजिएगा ना, उसका जो एग्जाम्पल देंगे उससे दिमाग में हिट कर जाता है, तो आपको दिमाग लगाते रहना है, सुस्त नहीं होना है। कभी कभी कोई बच्चे तुरंत समझते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा लेट से समझते हैं, तो उनको जब दो चार ठो एग्जाम्पल देंगे ना तब लगेगा ओ समझ गए रे, पहला हीट अटैक में कभी कभी नहीं समझता है लोग, दूसरा अटैक में फुल्ली समझ जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे यदि कोई सदिश टू कंपोनेंट्स के रूप में हो तो उस सदिश का परिमाण एवं दिशा एक्स एक्सिस के साथ बताएं या इसका सूत्र ज्ञात करें, बताएं या सूत्र ज्ञात करें, आप बोल सकते हो दोनों बात। इसी लाइन को थोड़ा इंग्लिश में भी लिखता हूं, मेरे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं स्पेशली लिख रहा हूं फिर से इसी लाइन को इंग्लिश में। इफ ए वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। आपको क्वेश्चन में वाई एक्सिस से भी पूछ सकता है, तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस से निकाल लेंगे और उसके बाद वाई वाला सीखेंगे। ये मेरा स्टेटमेंट हुआ, इसको कैसे प्राप्त करेंगे, क्या रहेगा, गौर से देखना। तो चलिए आप लोग इतना दूर तक कर लिए होंगे, चलिए आप गौर से सीखिए। तो जरा सा क्या कहना चाहता है सवाल, आपका सवाल कहना चाहता है, थोड़ा भी ध्यान डगमग नहीं करेंगे, बहुत ही कोमल पॉइंट पर आपकी कहानी चल रही है, और ये कोमल पॉइंट ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th के लिए पढ़ रहे हैं, ये ऐसा एक टर्म है कि जब तक आप फिजिक्स साइंस का पढ़ेंगे तब तक इसकी आवश्यकता है।
इसीलिए इसको गंभीर से सीखना है। जिसको दिक्कत हो एकदम आराम से क्वेश्चन पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अब चलिए यहाँ पर मान लो कि किसी इंसान ने, ध्यान देना गौर से, यह एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है और इस पत्थर पर किसी इंसान ने बल लगाया, इस दिशा में बल लगाया सर, लेकिन यह क्षैतिज तल है और इधर बल लगाया, तो यह बल का मान कितना है दिया हुआ नहीं है, और यह एंगल कितना बन रहा है यह भी नहीं दिया हुआ है, दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ है, और इसको मैंने सोच लिया मन में एक्स एक्सिस, क्या सोच लिया, एक्स एक्सिस है ये, इधर मैंने सोच लिया, तो इस बल का मान कितना है यह बताना पड़ेगा और यह कितना एंगल बना रहा है यह बताना पड़ेगा। तो इसको बताने के लिए क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ रहना चाहिए, और दिया हुआ क्या रहेगा, इस पर लगने वाला बल वेक्टर एफ, फोर्स, फोर्स वेक्टर एफ बराबर आपको दिया रहेगा एफ एक्स इंटू आई कैप प्लस एफ वाई इंटू जे कैप, दिया हुआ है। तो मैं सदिश ए भी लिख सकता था, यदि सदिश ए लिखूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा वेक्टर ए, यहाँ लिखूंगा वेक्टर ए, यहाँ लिखूंगा एक्स, क्या लिखूंगा एक्स, यहाँ क्या लिखूंगा ए वाई लिखूंगा। इस रूप में ये दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, गिवन दैट ये आपका दिया हुआ है। तब कहेगा रे बाबू बताओ इस ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 10, 20, 25, 50 कुछ तो होगा, वो बताओ। और ये पूछ लेगा कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है उसका कोण का मान बताओ कितना होगा। ये दो प्रश्न आपको यहाँ पूछा जाएगा, तो कैसे जवाब दे पाएंगे, तो चलिए आइए मैं उसको बताना शुरू करता हूँ कैसे जवाब दे पाएंगे। मतलब यहाँ आपको निकालना क्या है, गौर से देखिएगा, यहाँ आपको दो चीज निकालना है, परिमाण मैग्नीट्यूड बताना है। वेक्टर ए कंपोनेंट के रूप में दिया हुआ है, अब उसका परिमाण निकालना है। वेक्टर ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो आपका जवाब होगा सर मॉड ऑफ वेक्टर ए, जल्दी देखिएगा, तो बराबर ए बराबर व्हाट, क्वेश्चन मार्क यही है। और पूछ रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, तो एंगल का मान, डायरेक्शन कौन बताएगा, एंगल को, तो डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन ऑफ ए बताना है, तो आपको करना है थीटा का मान बताओ कितना होगा। ये डायरेक्शन ए जो थीटा बताएगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ आपको बताना है। जस्ट तो थ्योरी पढ़े थे हम लोग, उसका उल्टा चल रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन बताना है। तो इतना काम करने के लिए हम कहाँ से शुरुआत करें, तो चलिए आइए शुरुआत के लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। यहां से हम लोग अब काम को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा जल्दी से देखिएगा और क्वेश्चन हम लोग बनवाएंगे, अभी तुरंत बनाएंगे क्वेश्चन, उसको गौर से देखना है। सर अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा था एक चीज, मैं लिखूंगा यहां पर वी नो दैट, वी नो दैट, जल्दी बोलना यस नो, तो सर अभी लिखे नहीं, अभी यस क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे तब ना कहिएगा आप जानते हो कि नहीं। सर हम लोग जानते हैं ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, जल्दी बोलेगा हाँ या ना, ए एक्स इक्वल टू क्या देखे अभी, ए कॉस थीटा, उसको अब हम लोग इक्वेशन नंबर एक मान लो, मान लेंगे, क्या संभव है या नहीं। फिर आप कहोगे सर ए वाई बराबर क्या होता है, ए इंटू साइन थीटा, जल्दी बोलो हाँ या ना, इसको इक्वेशन दो मान ले तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, इतना बात तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। जब इतना बात मानने के लिए हम लोग तैयार हैं तो ध्यान दीजिएगा, मुझे ए का वैल्यू निकालना है, मैं क्या मनसुआ लगाऊं जो ए का वैल्यू निकल जाए, मतलब ये प्योर मैथमेटिक्स हुआ, अब इस जगह फिजिक्स का कोई गप नहीं है। तो दो समीकरण दे के कोई चीज़ का मान निकालना है तो मैथमेटिक्स हुआ। अब हम कैसे सोचें, जैसा अपना सोच को मजबूत करने के लिए ध्यान से देखिएगा, कहा कि सर दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो यहां पर मैं कह सकता हूं, डायरेक्ट कर देते हैं कितना माथा लगाएंगे,
दोनों को वर्क करना है तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जल्दी बोलो हुआ। और दूसरा इक्वेशन को वर्क करेंगे ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यस। कहाँ को जोड़ना भी है तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह देंगे कि नहीं देंगे, तो जैसे जोड़िएगा दोनों को LHS पर ध्यान ले जाइए जल्दी से, LHS में आप बच्चे लिख पाओगे, यहाँ पर ध्यान देना LHS में तुम लोग लिख पाओगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जल्दी बोलो। RHS में ध्यान देना गौर से, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, हाँ सर दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जल्दी बोलो। तो सर इसका मान तो ब्रह्मांड में सारे बच्चे जानते हैं, वन होता है ना, वेरी गुड। तो आपका वो लाइन आ गया जो जरूरत था, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन। अब इसका स्क्वायर हटा दो तो रूट हो जाएगा जरा के। तो माय डियर बच्चे लोग आपका काम कंप्लीट हो गया, ए बराबर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्या आपको इसकी चाहत थी? यस सर इसी की चाहत थी, इसी को खोजने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे, वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा। तो वेक्टर ए का परिमाण आपको निकल गया, इसको समीकरण नंबर 3 लिख के छोड़ दीजिए, देखा जाएगा। यदि कोई वेक्टर, अगेन रिपीट प्लीज कंसंट्रेट, सारे बच्चे ध्यान देंगे, यदि कोई वेक्टर ए कंपोनेंट के रूप में लिखा हुआ है कहीं मिल जाए आपको लाइफ में, पूरा फिजिक्स में हजारों बार मिलेगा, एक दो बार नहीं, यदि कोई वेक्टर कंपोनेंट के रूप में लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने कहेगा, तो डायरेक्ट आप यहां आ जाओगे, ए बराबर डायरेक्ट लिखोगे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। जब परिमाण निकालना है आपको, क्या निकालना है परिमाण मैग्नीट्यूड, तो उसमें क्या आई कैप जे कैप होना चाहिए, जल्दी बोलो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तो दिशा बताता है, और सिर्फ परिमाण लेना है तो क्या आपको यहाँ कहीं पर आई और जे है, नहीं अपने आप गायब हो गया, हम क्या करें, हम स्टेप बाय स्टेप चलते गए अपने ये मिल गया, कहीं आई कैप जे कैसे मुलाकात हुआ, नहीं हुआ, तो परिमाण के लिए फॉर्मूला आपको मिल गया। अभी तुरंत क्वेश्चन बनवाएंगे और आप लोग बना के देखेंगे जल्दी से, यहाँ तक बात हो गया। सर दो बातें बताना था आपको यहाँ पर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या बताना था, अब मैं बताऊंगा यहाँ पर वेक्टर ए का डायरेक्शन, क्या बताना यहाँ पर हमको वेक्टर ए का डायरेक्शन, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन अब यहाँ बताएंगे कैसे, वेक्टर ए का डायरेक्शन बताएंगे कैसे, जल्दी आइए, डायरेक्शन बताएंगे किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ बताना है, तो तुम्हारे फॉर्मूला में फिगर में वो थीटा है और थीटा का मान कितना होगा, व्हाट, थीटा का मान कैसे बताएंगे, जल्दी से आप लोग देखिएगा, बाद में लिखिएगा, एक मिनट रुक जाइए, जल्दी से आप लोग थीटा कैसे निकलेगा। आपके पास दो ठो समीकरण है बहुत पहले से, सदियों पहले से दोनों समीकरण आपने पढ़ लिया है, सारे बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन याद भी हो गया है, मैंने आपको पूछ के चेक, तो जब आपको पूछ के चेक कर लिया और आप लोग सफल हैं कि ये दो समीकरण लाइफ में होता है तो गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी भूत लग जाता है, इसको लगने दो, ये दो समीकरण को तुम्हारे दिमाग में दौड़ रहा है, इसको भूलने का कोई चांस नहीं, इसी दोनों के मदद से हम थीटा निकाल सकते हैं, कोई टेक्निक है आपके दिमाग में, सोचो तो, आप लोग मैथ के विद्यार्थी हैं, मैथ वाले विद्यार्थी सब भी दिमाग लगा सकता है, कहा यस सर उपाय है, इसमें भी कॉस थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है, और थीटा निकालना है मेरे को, तो एक बुद्धि लगता है सर, यदि साइन बटे कॉस कर देंगे तो टेन थीटा हो जाएगा कि नहीं, और सर बटे करेंगे ए गायब भी हो जाएगा, जल्दी बोलो, तो इसका मतलब इक्वेशन 2 में 1 से भाग देंगे, किसमें क्या करेंगे, साइन वाले को ऊपर में रखना है, तब ना साइन बटे कॉस टेन होगा, समझा कि नहीं, साइन वाले को ऊपर में रखोगे कॉस वाले को नीचे में, तो साइन बटे कॉस टेन थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, उसी से तुम्हारा थीटा निकल जाएगा। तो मैं कहता हूं यहां पर लिखता हूं, गौर से देखिएगा अभी, वेट एंड वॉच, यहां पर जैसे निकालने कहा मैंने, को यहां लिखना है इक्वेशन
टू को डिवाइड करना है, टू को डिवाइड करना है किसे, इक्वेशन वन से, इक्वेशन वन से डिवाइड कर देना है। तो जैसे वो डिवाइड करोगे बाबू मेरे, तो जल्दी देखो क्या लिखाएगा, ए साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा, तो हो जाएगा सर ए साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा, जल्दी बोलो है ना, बराबर इधर हो जाएगा सर ए वाई बटे एक्स, ए वाई बटे ए एक्स होगा, जल्दी बोलो है ना सर, ए एक खल्लास हो गया सर, कट गया, साइन बटे कॉस सर टेन हो गया, जल्दी बोलो है ना, टेन थीटा हो गया सर, टेन थीटा बराबर आपका मिल गया ए वाई बटे ए एक्स, जल्दी बोलो है ना। तब सर हम थीटा बराबर लिखेंगे तो मेरे पास नियम है, टेन को इधर से ले जाएंगे उधर, लेफ्ट से लाइट ले जाएंगे टेन को, तो टेन इनवर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो मेरे पास उपाय है टेन इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स, टेन इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स, क्या थीटा का फॉर्मूला मिला, हाँ सर, जैसे हम लोगों को ए वाई ए एक्स का मान मालूम होगा है, देखो गौर से सुनना, जब ये समीकरण आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में तो क्या ए वाई का मान मालूम रहेगा कि नहीं, और ए एक्स का भी मान मालूम रहेगा कि नहीं, वो दोनों मान जैसे बैठाओगे कट उठ के कुछ मिलेगा कि नहीं, तुरंत एक क्वेश्चन बनवाते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, आपने जो थ्योरी पढ़ा तुरंत एक क्वेश्चन पूछ के मैं आपको संतुष्ट करूंगा, जल्दी से, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाता है थ्योरी क्लियर नहीं होता है, फिजिक्स में यह बहुत बड़ा बीमारी है, इसीलिए आप बच्चों को थोड़ा सा जब क्वेश्चन बनाने लगे तो थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन पर दिमाग लगाना चाहिए। तो जो भी बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं सब ठीक ठाक हैं, जल्दी से यस करके बताइए कि यस सर हम लोग ठीक ठाक हैं, क्लास जो करते हैं कंटिन्यू क्लास किया कीजिए, छोड़ छाड़ के नहीं कीजिएगा, और ऐसे भी वीडियो आपका स्टोर्ड है यूट्यूब में, गलती से किसी दिन छूट भी गया तो दूसरी बार देख लेंगे, जो भी बच्चे अभी क्लास में उपस्थित हैं लाइक कर दीजिए जल्दी से, किनारे में कुछ बच्चा का दिक्कत हो रहा होगा, हम थोड़ा सा इसको खिसका देते हैं इधर, चलिए लास्ट में लिखा हुआ है कोना में टेन थीटा बराबर ए वाई बटे ए एक्स, सारे बच्चों ने यस कहा, बहुत अच्छा, हिमांशु कुमार, विकेश कुमार, अविनाश कुमार, राजकुमार, ठीक है गुरुजी, अरे राजकुमार बहुत अच्छा लगे रहो बाबू, भविष्य में टॉप टेन में पोस्टर में नाम छपाना है तो लगे रहो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अभी जहाँ भी मेरा पोस्टर है बोर्ड एग्जाम में 7 टॉपर हुआ था, और उन्होंने 6 महीना तक ऑनलाइन क्लास किया था और उसके बाद बोर्ड एग्जाम में टॉपर हुआ है, इसलिए कोई भी बच्चा, और उस समय क्लास किया था जिस समय जुगाड़ व्यवस्था में ऑनलाइन पढ़ाते थे, अच्छा ना तो कैमरा था ना अच्छा बोर्ड था, अभी तो सब चीज़ जगाजग है, इसलिए अभी बात टॉपर की संख्या बढ़ना चाहिए, इसलिए आप लोग जोर लगा के पढ़ते रहिए। चलिए बात क्लियर हुआ, लिख चुके हैं आप लोग, तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्या क्या छप जाना चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन इस रूप में रहेगा, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, अभी तुरंत क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन दे के बनवा के तब मैं छोड़ूंगा, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तब पूछेगा इस वेक्टर का परिमाण कितना होगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे परिमाण निकल जाएगा, कहेगा एक्स एक्सिस के साथ कोण कितना होगा बताओ, इस फॉर्मूला से कोण का मान भी निकल जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, लिखूं इसको, पेज को आगे बढ़ाऊं, सब तैयार हो चुके हैं,
चलिए आगे बढ़े। तो आप लोगों ने इसको देख लिया, अब मैं तुरंत आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं और मैं देखना चाहूंगा कि आपके किसके दिमाग में क्या आटा। जल्दी से जल्दी एक नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट में जल्दी कौन बताता है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से है कि सर वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है, ए नहीं बल, फोर्स किसी वस्तु पर मैंने लगाया और उस फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कंपोनेंट के रूप में, और फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 3√3 i कैप प्लस 3 j कैप, इतना न्यूटन बल का मान दिया हुआ है, इतना न्यूटन बल का मान आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो कहता है यहां पर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ एक्स एक्सिस। इसको हिंदी में क्या कहा, बल का परिमाण एवं दिशा पहले लिखेंगे किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ दिशा ज्ञात करें। प्यारे बच्चों जल्दी से मैं बना देता हूं, आप सीखिएगा। सर यदि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा हिंट देता हूं, तो जिसको बनाना बना के बताइए। तो देखते हैं ऑनलाइन में हमारे कुछ बच्चों ने जवाब दे चुका क्या। वारे बहादुर राजकुमार सही है तुम्हारा 100%। खुशी कुमारी एकदम सही है सर, वेरी गुड। रोशन कुमार गलती हो गया, खुशी कुमारी एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, वेरी गुड। वारे बहादुर साहब मजा आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ के समझ रहा है, वेरी गुड। तो यहां पर देखोगे बल का मान वेक्टर एफ बराबर आपका लिखा हुआ है 3√3 i कैप प्लस 3 j कैप। जैसे ये लाइन लिखा हुआ है तुमको मिला तो तुरंत तुम लोग कहोगे कि सर बल को यदि मैं कंपोनेंट के रूप में लिखूं तो बल का कंपोनेंट के रूप में लिखना चाहिए हम लोगों को, वेक्टर ए होता था तो एक्स लिखते थे, अब बल है तो क्या लिखेंगे fx i कैप प्लस fy j कैप। ये फॉर्मूला के रूप में लिखा मैंने, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है लेकिन सिंबल में हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। तो इसका मतलब तुलना करेंगे तो हमको पता चलेगा fx के स्थान पर क्या दिख रहा है 3√3, fy के स्थान पर क्या दिख रहा है 3। तो इसका मतलब हुआ सर हमको देख के पता चल गया fx का मान 3√3 और fy का मान पता चल गया सर 3। ये बात हम लोग सोच लिए सवाल को देखकर, जैसे ये बात देखे तब मैं कहूंगा वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड हिंदी हुआ परिमाण। तो परिमाण बताना है तो सर अभी तुरंत हम लोगों ने फार्मूला देखा था, याद करो ये तो फार्मूला, तुरंत जल्दी से देखो ये फार्मूला याद है, ए बराबर √ax² + ay² ये प्रूफ किए जबरदस्ती लिखे थे, प्रूफ्ड है तो जरूरत पड़ेगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर, आप लोग अब समझ गए होंगे कि सर वेक्टर एफ का परिमाण लिखना है ना, तो वेक्टर एफ पर मॉड लगाएंगे तो एरो हट जाएगा, खाली एफ लिखाएगा, एफ बराबर फॉर्मूला हो गया सर √fx² + fy² जल्दी बोलो हाँ ना। तो सर यहाँ पर मान बैठाइएगा एफ एक्स का मान कितना है रे 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? तो सर उसको सरल करिए तो आप बच्चों को मिल जाना चाहिए 3 × 3 = 9 = 27, 27 + 3 = 9, 27 × 9 = 36, 36 का वर्गमूल 100, तो बल हो गया 6 न्यूटन। लास्ट में हम लोग यह लिख देंगे अपने मन से, चूंकि बल निकाल रहे हैं तो बल का वैल्यू मालूम है ना सबको, न्यूटन होता है बल का मात्रक, तो बल का मात्रक हम लोग गड़बड़ा गया, अच्छा से लिखा 6 न्यूटन बल का मान निकल गया। अब ये बल एक्स एक्सिस से किधर दिशा कौन बना रहा होगा, यदि मैं एक्स एक्सिस मानता हूं इसका दिशा इधर होना चाहिए, तो यह कितना कोण बनाएगा वह कोण थीटा बताना है। तो दिशा के लिए, डायरेक्शन के लिए आपके पास फार्मूला अभी तक मैंने बताया था, डायरेक्शन के लिए फार्मूला हो जाएगा, और भी किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ यदि आपको दिशा बताना है तो आपने फार्मूला देखा था थीटा बराबर, जैसा मैं दिखा देता हूं बैक गियर लगा के, देखिए थीटा बराबर क्या निकाला था, टेन इनवर्स ए वाई बटे एक्स। तो उस फार्मूला का मैं यूज करूंगा यहां पर, तो सर टेन इनवर्स एफ वाई बटे एफ एक्स करेंगे, जल्दी बोलिए। तो यहां से टेन इनवर्स का लिख देंगे, और आपको याद है कि गौर से देखिए एफ वाई का मान कितना है बाबू, खोजो, हो वहाँ है 3 3 बटे एफ एफ एक्स का मान 3√3, 3 3 गया सर, 3 3 खल्लास होगा कि नहीं होगा, यहाँ बचेगा क्या 1√3, तो 10 में कितना डिग्री का मान 1√3 होता है, तो 1√3 आपका सर हो गया, तो 1√3 का वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो आपका जवाब हो जाएगा सर 60 या 30 ना, हमको तो गड़बड़ा गया, कन्फर्म हो, जल्दी बोलो कॉन्फिडेंस में, अब देखें आप लोगों को कितना भरोसा है अपने आंसर पर, हैं कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपने थीटा निकाला 30 डिग्री, कितना निकाला 30 डिग्री, तो बस अब है क्या, ये जो 1√3 √3 रहता, तो ये सब में कन्फ्यूजन कभी कभी हो सकता है, आप लोग बच्चे हैं और बच्चे से तनी मनी ये गड़बड़ हो सकता है, लेकिन थोड़ा विश्वास जगाना होगा कि जो बोले 100% सही बोले। तो आपने जो थ्योरी पढ़ा उसका उपयोग समझ में आया, यस सर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, पूरे हॉल में किसी बच्चे को, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे किसी को, कोई दिक्कत होने का चांस नहीं। तो फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन ही लेके आएंगे इसी पर, और भी 2-3 तरह का क्वेश्चन इसमें आता है वो पढ़ के तब हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत।